इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो ये तो है ही, ये बात है ना। तो एक टर्म जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो पार्शियल इंक्रीज करे और पार्शियल क्या करे, उसी का नाम क्या है? मोनोटोनिक। जैसे अब हम लोग ये बात करें, एक फिगर मैंने बना दी है, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इंक्रीज, इसको बोलोगे क्या? डिक्रीज। अब अगर मैं ये फिगर बना दूँ, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फिगर जो है इस इतने पार्ट में इंक्रीज किया और इतने पार्ट में क्या किया? डिक्रीज। तो इसको क्या बोला जाएगा? नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिंगल टर्म में मोनोटोनिक। एक तरीके से ये बात हो गई। अच्छा, आप सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो सब लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? लिखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले जान लेते हैं। लिखते हैं टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल। इंक्रीज का मतलब ऐसा नहीं खाली बढ़ता, क्या चीज बढ़ता पहले ये तो बताओ, ग्राफ नहीं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। खाली टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल लिख लिया। अच्छा, अब जैसे टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल लिखा तो देखो, एक फिगर हमने ये बनाया, एक फिगर ये बनाया। अब इन दोनों फिगर में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ तो देखो, यहाँ पर ये भी टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है, ये भी टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है कि नहीं बना रही भाई? यहाँ से इस इन दोनों फिगरों में अगर देखा जाए, एक्यूट एंगल कहीं भी देख लो एक्यूट एंगल, यहाँ देख लो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो अब मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि मेरे पास ये फिगर ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, तो मुझे आगे के आर्टिकल में ये भी जानना पड़ेगा कि अगर किसी ने इंक्रीजिंग बोल दिया है तो कर्व बिलो द टेंजेंट लाइन होगा कि कर्व अबव द टेंजेंट लाइन होगा। एक तो बात ये मैं जानूंगा, दूसरी बात कि इंक्रीजिंग की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम लोग अभी बोल रहे हैं बढ़ता है बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है पहले ये तो जान लें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कर्व है y is equals to fx। जब कभी भी कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करेगा तो हमेशा दो तरीके से डेफिनेशन की बात होगी, नंबर वन कैलकुलस के एंगल से चलती है और नंबर टू एलजेब्रा के एंगल से चलती है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, ये सपोज x is equals to a का पॉइंट है और ये x is equals to b का पॉइंट है। तो x इज इक्वल्स टू ए पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो ये f ऑफ a है, यहां पे बात करूं तो ये f ऑफ b, और अब मैं देखता हूं तो ये x की वैल्यू है, इसका नाम मैं इनपुट रख देता हूं, ये y की वैल्यू है, इसका नाम क्या रख देता हूं? आउटपुट। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि b ग्रेटर है किससे? a से। b ग्रेटर है किससे? a से। और अब y की वैल्यू में भी देखो तो f ऑफ b ग्रेटर है किसे? f ऑफ a से। तो क्या चीज दिखी हमें? दिखी कि इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई कहता है कोई चीज इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तभी होगी जब इनपुट बढ़े तो उसका आउटपुट भी बढ़े। खाली बढ़ने से मतलब नहीं होता है, तुम कहते हो बढ़ रहा है तो खाली x ही बढ़ता है लेकिन y घट रहा हो तो इंक्रीजिंग थोड़ी हो जाएगा। तो बढ़ने का मतलब क्या है? इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी बढ़े। इनपुट और आउटपुट का साइन क्या होना चाहिए? सेम, तभी कोई चीज क्या होगी? इंक्रीजिंग। और दूसरी बात कि अगर कैलकुलस के टर्म में बात करें तो यहां पे टेंजेंट में किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट हमेशा कैसा एंगल बना रही है? एक्यूट। और जब ये एक्यूट एंगल बना रही है तो टैन थीटा का रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। और टैन थीटा का मतलब ही क्या होता था? स्लोप। और इसी स्लोप का मतलब क्या होता है? डीवाई बाई। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उसके dy by dx की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? ग्रेटर देन जीरो। तो इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब जो हमेशा इंक्रीज ना करे, ठीक है? जैसे मान लो इस साल हम किसी क्लास में पढ़ रहे थे
टाइम बढ़ा, हम अगले साल नई क्लास में पहुंच गए, फिर एक साल के बाद हमने एग्ज़ाम दिया और हम फेल हो गए, फिर अगले साल एग्ज़ाम दिया हम पास हो गए, फिर हम अगली क्लास में पहुंच गए, तो क्या मतलब निकला कि एक्स तो बढ़ता चला जा रहा है, वाई क्या हो, कभी बढ़ेगा और कभी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। फिर एक्स तो बढ़ता रहा, कभी वो बढ़ गया, फिर क्या रहा, कॉन्स्टेंट। ठीक, तो यानी इनपुट तो हमेशा बढ़ेगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और बराबर भी हो सकता है। अभी तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ये जैसे ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो ये x1 का पॉइंट है सपोज, और ये x2 का पॉइंट है, ये x3 का पॉइंट है, ये x4 का पॉइंट है। अब x1 पे अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो ये f of x1, x2 पे y की वैल्यू देखूं तो f of x2, और x3 और x4 पे देखूं तो ये वैल्यू क्या आ रही, बराबर। तो यानी कि यहां पे दो केस बन रहे हैं, क्या x तो बढ़ेगा, y बढ़ भी सकता है और बराबर भी। तो ध्यान से सुनेंगे कि मैं इन दोनों केसेस को एक साथ कंबाइंड कर दे रहा हूं। मान लेता हूं कि देखो इधर b बढ़ रहा है किसे, a से, लेकिन f ऑफ a जो है वो बराबर भी हो सकता है और मतलब f ऑफ b ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, ये कहां से आ गया, तो इन दोनों केसेस को क्या किया गया, कंबाइंड। और अगर कैलकुलस की टर्म में बात करेंगे तो यहां देख लो, तो यहां पे देख रहे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हो रहा है और इक्वल टू जीरो भी हो रहा है। तो ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे क्लास की शुरुआत में एक बात हुई थी कि इंक्रीजिंग फंक्शन बिलो द टेंजेंट लाइन भी हो सकता है और अबव द टेंजेंट लाइन हो सकता है, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये फिगर है, जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, टेंजेंट, तो मैं हमेशा dy वाई बाई डी एक्स देखूंगा। तो यहाँ टेंजेंट बनी हुई है तो ये कैसा एंगल, एक्यूट, तो इसलिए dy वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। और जब मैं कर्व देखूंगा तो मैं कॉनकेविटी देख रहा हूँ, कॉनकेविटी का मतलब क्या हुआ, d2y टू वाई बाई डी एक्स टू। और जब कर्व अबव द टेंजेंट लाइन होगा तो उस केस में d2y टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। सेकेंड, टेंजेंट देखिए तो dy वाई बाई डी एक्स, कर्व देखा तो d2y टू वाई बाई डी एक्स टू। अब यहां पे कर्व, भाई वो सारे कर्व जो टेंजेंट लाइन के अपवर्ड होते हैं उनका d2y टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव होता है, जो कर्व टेंजेंट लाइन के बिलो होते हैं उनका d2y टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब ये सेकेंड फिगर, तो यहां पर फिर से टेंजेंट देखी तो समझ गए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। कर्व देखा तो बिलो द टेंजेंट लाइन है इसलिए d2y टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। थर्ड, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है,
और जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पर एंगल तो एक्यूट है इसलिए डी बाई बी डिक्स पॉजिटिव होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव तो यहाँ पे है क्या, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। भाई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं कि नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा तो क्या बचा m, और इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जब लाइन बन जाएगी तो ये आ जाएगा। तो ये तो हुई बात हम लोग की पहले क्लासिफिकेशन की, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, टैंजेंट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब टैंजेंट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पे देख रहे हैं कि तो ये टैंजेंट कैसे एंगल को बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल को बना रही है। ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। तो पहला फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा दो तरीके से डेफिनेशन दी जाती है। ये दो तरीके से डेफिनेशन क्यों दी जाती है, वो इसका रीजन ये है कि कैलकुलस जो होता है वो हमेशा कैलकुलस कब अप्लाई होती है, जब कंटिन्यूस फंक्शन हो और डाटा का डिस्क्रीट हो जाए। डाटा क्या हो जाए, डिस्क्रीट डाटा मतलब क्या, टूटा हुआ डाटा। और जब टूटा हुआ डाटा को तो कैसे पता लगे डिक्रीज है, भाई ये डिक्रीज नहीं है। लेकिन इसमें तुम कहते हो डी बाई डिक्स, तो डी बाई डिक्स नहीं लगेगा क्योंकि डाटा कैसा है, डिस्क्रीट। ये लगाया तो देखो कैलकुलस लग गए। तो जब डाटा डिस्क्रीट होता है तो वहाँ पे डिस्क्रीट की डेफिनेशन लगती है, पॉइंट वाइज देख रहे हैं। और जहाँ पे डाटा क्या है, कंटिन्यूस, वहाँ पे क्या चलती है, कैलकुलस की डेफिनेशन चलती है। तो ये ग्राफ है, और अब यहाँ पर ये x इज इक्वल्स टू a का पॉइंट है, तो यहाँ से y की वैल्यू f ऑफ a। ये x इज इक्वल्स टू b का पॉइंट है, तो कोई भी चीज़ डिक्रीज कब होगी, तो डिक्रीज तभी होगी भाई हम तुमको रोज़ पढ़ाते चले जाएं और तुम रोज़ पढ़ो ही ना, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे कि b बड़ा है इसे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ a जो है ग्रेटर है किससे, f ऑफ b से। और अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये सारी टेंजेंट कैसे एंगल को बना रही है, ऑब्ट्यूज। भाई ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। और जब ऑप्टिव्स एंगल होगा तो टेन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी क्या, अबे पगले ध्यान भी नहीं कर रहे क्या है, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव। और अब यहाँ से m लेस देन जीरो आ गया, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस केस पे d बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या दिखेगी हम लोग को, लेस देन जीरो। अब उसके बाद फिर बात आती है सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि कभी इंक्रीज ना हो और लेकिन एकदम से घटे भी ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ाते चले जा रहे हैं और तुम क्या हो रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बीच में क्या किया, कुछ दिन किताबें खोल के देख ली, फिर क्या किया, फिर पढ़ना बंद कर दिया, फिर कुछ दिन तुमने किताबें उठाई, तो ये बात हो जाएगी क्या, नॉन इंक्रीजिंग। जैसे ये क्या हो रहा है, ये हम पढ़ाए चले जा रहे हैं तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, और फिर कुछ दिन के बाद पढ़ना शुरू कर दिया, फिर नहीं पढ़ना है, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर नहीं पढ़ना। तो ये ग्राफ कैसा हो रहा है, तुम कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी नहीं कर रहे हो और हमेशा डिक्रीज भी नहीं कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि तुम क्लास के जैसे मूर्ख बच्चे हो, कभी कभी तुम आंसर भी दे देते हो और कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं बता पाते हो। ये क्या है, ये क्लास का सबसे मूर्ख बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है।
तो ये y इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया एफ एक्स। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो याद देख रहे कि y जो हो रहा है क्या हो रहा है, x बढ़ा है लेकिन y क्या हो गया, घट गया है। और यहां पे देख रहे हैं ये x3 है और ये x4 है, यहां पे y बराबर हो गया। तो इन दोनों केसेस को जो y की जो दोनों वैल्यू आई इनको मिक्स करके हम लोग लिखेंगे। तो अगर फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है तो b ग्रेटर है a से, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और अब अगर हम यहां ग्राफ पे देखें तो क्या होगा, ये टेंजेंट हर जगह हमें क्या दिखेगी, ऑब्टूज दिख रही है, और कभी कभी क्या दिख रही है, जहाँ पे डी बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। तो इन दोनों केसेस को हम लोग कंबाइंड करेंगे। तो अगर फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। इसको नोट कर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। और क्लासिफिकेशन ऑफ जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का जब हम लोग बात करेंगे ये ग्राफ, तो जब टेंजेंट देखते हैं तो हमने क्या बताया कि डी बाई डी एक्स देखा जाता है। तो यहाँ डी बाई डी एक्स क्या दिखेगा, लेस देन जीरो। और जब कर्व देखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो ये टेंजेंट लाइन के अपवर्ड है, तो इसलिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। उसके बाद ये कर्व पहला डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो, और ये कर्व क्या है, बिलो द टेंजेंट लाइन है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कर्व जब भी देख रहे हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये कर्व क्या है, कॉन्केविटी को बता रहा है, ठीक है। कॉन्केविटी क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और कॉन्केविटी किससे निकलती है, कर्वेचर से, ठीक है। तो यहां से ये क्या है, इसको देखते हैं, पहला डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, लेस देन जीरो, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसमें कॉन्केविटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अब उसके बाद इसमें ये एल्जेब्रिक क्वेश्चनों में ये कुछ नोट्स के पॉइंट में बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट इसमें यूज होते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान करनी है, क्या बात ध्यान करनी है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और ध्यान रखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो ये तो नॉर्मल इनइक्वालिटी बन के नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में कॉन्स्टेंट नंबर लगा है, क्या लगा है, कॉन्स्टेंट नंबर, तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो जब होगा, जब उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और दूसरा पॉइंट, ए ग्रेटर देन जीरो। अब सेकेंड पॉइंट कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो भी हो सकता है, फिर वही बात कि अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके निकल आएगी, और बीच में कोई कॉन्स्टेंट लगा है तो ये आर्टिकल यूज होगा। नंबर वन कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है,
तो उस केस में भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, लेस देन जीरो ही होगा। और दूसरी बात, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेस देन जीरो। और ये किसके लिए होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ये वैलिड होता है। अब इस बात को याद करने का एक दूसरा तरीका और भी है, क्या चीज, अब मैं दूसरी बात इसलिए बता रहा हूं, जैसे सिंपल अगर हमें यह पता करना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कैसे पता कर सकते हो, जरा ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी देख लिया, अब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लेस देन जीरो है, उसके बाद मैं देखूंगा ए कैसा है, अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव होगा, और अगर ए निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी क्या होगा, निगेटिव। और दोनों में बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या है, लेस देन जीरो, ये क्या है, कॉमन पॉइंट। तो कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की हेल्प से। इसको लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या करना है कि हम लोग को ये शुरुआत के जो तीन क्वेश्चन है इसमें एक्स का इंटरवल निकालना है, जिसके लिए फंक्शन एरो डाउनवर्ड तो डिक्रीज, एरो अपवर्ड तो क्या, इंक्रीज। बस जैसे क्वेश्चन देखा तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी क्या, कि हमें इसका क्या क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला क्वेश्चन, इसका डी वाई डी एक्स निकाल लिया, और अब चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या रहेगा, फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है, तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सिक्स कॉमन होके हट जाएगा, और ये x माइनस वन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे तो यहाँ से x का इंटरवल वन से टू आ जाएगा। तो ये इंटरवल होगा जहाँ फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, एफ डैश एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फाइनली ये आ गया। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस फोर एक्स, और ये नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो वेरिएबल हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव, इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन करके बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो इस वजह से एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो, फोर इनइक्वालिटी से हट जाएगा सीधे, और बचेगा क्या, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया जाएगा, और अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस थ्री फिर जीरो, और ये क्या आ गया, थ्री प्लस बाय दस प्लस माइनस ग्रेटर देन जीरो, यानी रिजल्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो x का इंटरवल आ गया वो माइनस थ्री से जीरो यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। थर्ड, यहाँ से एफ एक्स का इंटरवल, और इंटीग्रेशन में जैसे लिमिट फाई एक्स से साई एक्स वाला पैटर्न आया, तो न्यूटन फार्मूला हम लोग को याद है, हम सीधे वही अप्लाई कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, एफ डैश एक्स अपर लिमिट को टी के प्लेस पे, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट कांस्टेंट तो हट जाएगा सीधे। और यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बताया है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये ई टू दी पावर एक्स एक्स बाई डैस वन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, और ई टू दी पावर एक्स हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इनइक्वालिटी से हट जाएगा, और बचेगा कितना, x माइनस वन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन टू टू आ जाएगा। तो ये आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, फोर्थ वाले में, कि फंक्शन इंक्रीजिंग बोल दिया गया है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि इसके एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गया, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो।
ये आ गया। अच्छा अब जब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो तो इक्वलिटी रखनी है कि नहीं रखनी, तो ये ऑप्शनल है कि अगर के का इंटरवल क्लोज में लिखना है तो हम लगा देंगे, वरना हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे हम यही देखेंगे, ठीक है। और नॉर्मली अगर ऑप्शन नहीं लिखा है कोई भी तो इक्वलिटी लगा के ही करोगे, क्या इक्वलिटी लगा के करोगे अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ले तो। और जैसे कि देखा क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में कांस्टेंट आ गया, तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि इस पे इक्वल साइन है इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा, इक्वल साइन। और अब ए का वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, ये आ गया, अब ये फोर हो गया, फोर हट जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो इस वजह से के का इंटरवल 1/6 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ में फंक्शन क्या बोला गया, इंक्रीजिंग है। तो ये लॉग 1 + x - 2x / 1 + x, अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एक पॉइंट तो कॉमन है कि इसके डी बाई डिक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अच्छा भाई डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है, क्या आ रही है, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा है, जानते क्या आ रहा है कि यहाँ से अगर x अपॉन एक्स प्लस वन को मैं देखूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है सेम, तो इसका डिवीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो लिखना चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब अगर मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन तो मैं ज़्यादा बड़ा पड़ेगा कंपेयर टू ये एक ही लाइन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वन का जीरो हो गया और इसमें चेन रूल लगा दोगे सीधे तो ये आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। और अब एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गए। और अब देन इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चूंकि फंक्शन हमारा कैसा है, ये इंक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा दे दिया गया है, इंक्रीजिंग, तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो ये x माइनस वन अपॉन x प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर अपॉन माइनस वन वन, और डिनोमिनेटर के नंबर पर क्रॉस साइन क्योंकि कभी इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं करते थे, तो ग्रेटर देन जीरो यानी रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से x का इंटरवल 1 to infinity आएगा। तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब यहाँ पर देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें x के इंटरवल को बताना है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब जरा एक बात सोचो कि ये 2x माइनस वन और f ऑफ 4x प्लस वन, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का साइन क्या होगा, सेम, तो इसलिए 2x माइनस वन ग्रेटर ही होगा 4x प्लस वन से, तो माइनस 2x ग्रेटर देन कितना हो गया 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमको ये बताना है, ये कंडीशन दे दी गई है और हमको ये बताना है कि एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी पता लगेगा वो क्या पता लगेगा, इसके डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसके ऊपर पता लगेगा। तो हमने ये एफ डैश एक्स कर लिया, ये आ गया। अच्छा अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव निगेटिव मैं तुरंत बता सकता हूँ किसके ऊपर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को देख के। तो मैं इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करता हूँ, तो यहाँ से 2b, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू तो c ही हो जाएगी, 4 कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 3c। और क्वेश्चन ने कंडीशन दी कि बी स्क्वायर c से क्या है, लेस। और दूसरी बात ये भी बता दिया ये पॉजिटिव है,
ठीक है। तो अब जब बी स्क्वायर सी से लेस है तो 3c से तो वो और ज्यादा लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट कैसा हो गया, निगेटिव। और जब ये निगेटिव हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव मैं बता सकता हूँ a को देख के। तो देख रहा हूँ a कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसके लिए फॉर ऑल x, तो इसका मतलब कि fx जो फंक्शन हो गया वो कैसा फंक्शन रिप्रेजेंट हो गया, इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फिर थर्ड जो यहाँ पे दिया जाएगा वो fx इक्वल टू ये फंक्शन, क्वेश्चन ने कैसा बोला है, नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, dy by dx less than or equal to 0। तो यहां से f'x पहले निकाल लेते हैं, ये रहेगा और x का डिफरेंशिएशन में लोअर लिमिट कांस्टेंट हट जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, और न्यूमरेटर का फैक्टर हो गया, क्योंकि फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है, तो नॉन इंक्रीजिंग होने की वजह से एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। लेस देन आर इक्वल टू जीरो, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लोगे, और डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, तो यानी कि x बिलोंग्स माइनस टू टू माइनस वन यूनियन जीरो टू टू, और लास्ट यहां से फोर्थ। अच्छा, अब एक बात और सबको समझा दें कि जब एलजेब्रा के साथ कांस्टेंट लगता है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन जो भी किए थे तो उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट लग गया तो सीधे सॉल्व हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर इसी से, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ लग गया या ऐसे फंक्शन जिनके साथ स्टैंडर्ड आर्टिकल नहीं होता है और उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फिक्स तरीका होगा क्या, सबसे पहले डी बाय डीएक्स निकाल लोगे और निकाल लेने के बाद कांस्टेंट नंबर को एक साइड रखोगे और बाकी पूरे फंक्शन को एक साइड रखोगे। अब जैसे यहाँ पे क्या कहा गया कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स निकला तो ये आ गया। अब फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से के माइनस कॉस एक्स। अच्छा, अब ये ग्रेटर है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये ऑप्शनल आ जाएगा। और अब क्या बताया गया, कॉन्स्टेंट नंबर को एक साइड और बाकी सारे फंक्शन को क्या, एक साइड। और उसके बाद यहां से फिर ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन दूसरी साइड बनना है। जरा ध्यान से सोचना, जैसे ये बेसिक मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो यहां पे ऐसा बन जाएगा कि जिसकी रेंज के बारे में तुम्हें पता होगा, क्या करना है, कांस्टेंट नंबर एक साइड और बाकी का फंक्शन पूरा एक साइड, और उसको वाई ले लोगे और वाई लेने के बाद इसकी हमेशा रेंज निकाली जाएगी। अब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसमें रेंज सीधे पता होगी, और अगर यही क्वेश्चन एडवांस लेवल का है तो यहां से तुमको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। अब जैसे यहां पे देखा जाए तो y इज इक्वल्स टू, जब cos x ले लिया गया तो तुरंत इसकी रेंज तो मुझे ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है, तो भाई cos x की वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, माइनस वन से प्लस वन। cos x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, माइनस वन से प्लस वन, ये आ गया। और मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका था, यहां से मेरा क्वेश्चन ये हो गया था कि k ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, y, और y का रेंज तुमको पता है, तो अब जरा ध्यान से देखो k की वैल्यू कैसी चाहिए, k हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किसे, y से, और k y से ग्रेटर तभी होगा, k जो है y से ग्रेटर तभी होगा जब वो इधर आएगा, क्योंकि अगर इधर आएगा तभी तो वो k y से ग्रेटर हो पाएगा, तो इसका मतलब कि जो k की वैल्यू है वो 1 से हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। लेकिन यहां पर क्या इक्वालिटी साइन भी लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ, इक्वालिटी,
और इसमें भी क्या लगा हुआ, इक्वलिटी, इसलिए k की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो गई, 1। अब ये y की वैल्यू क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड के ऊपर, बोर्ड लेवल क्या है, सीबीएसई का है, मेंस का है, तो तुम्हें सीधे y की वैल्यू पता रहेगी, और वही एडवांस का है तो ये y की वैल्यू तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, मतलब कहने का है ये इसकी रेंज, ठीक। तो ये हो गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एलजेब्रा से रिलेट क्वेश्चन पूरे। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, अभी तक लास्ट तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें फंक्शन क्या चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रिक फॉर्म चल रहा था, अभी क्या आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल दे दिया गया है क्वेश्चन, तो उसमें इंटरवल दिया है कि नहीं दिया है, जैसे इंटरवल दे दिया गया तो बात खत्म हो गई, और नहीं दिया गया तो फिर हमें वहाँ पे क्या देखना है, जनरल सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले चूँकि फंक्शन ये क्या बताया गया इंक्रीजिंग है, तो इस केस में इंटरवल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते इसको, और चूँकि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और जब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एक बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रियल टर्म और कांस्टेंट नंबर को एक साइड रखना है, इसको रखने के बाद, और ट्रिग्नोमेट्रियल एक्सप्रेशन में एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम लोग को जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कैलकुलेट करनी है, ग्राफ से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर कॉस एक्स को हम लोग अलग वाई ले लेंगे, और ये कांस्टेंट नंबर को अलग y के इक्वल ले लेंगे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उतना ही ग्राफ प्लॉट किया जाएगा जितना क्वेश्चन ने इंटरवल दिया गया है। तो यहाँ इंटरवल क्या दे दिया गया हम लोग को, 0 से 2π, ग्राफ किसका प्लॉट होगा, कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसलिए कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आ गया, और ये सिर्फ जीरो से कहाँ तक प्लॉट करना था, 2π तक प्लॉट करना था। ये पॉइंट तो 1 का आएगा, ये 0 का है, और उसके बाद y इक्वल टू क्या है, 1/2, तो y इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये y इज इक्वल्स टू 1/2 ये आ गया। अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे, cos x हमेशा क्या होना चाहिए, 1/2 से लेस, तो cos x 1/2 से लेस, तो 1/2 वाली लाइन ये है, और cos x 1/2 से लेस होगा तो उसका अलावा कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया जाएगा, तो cos x इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ये क्या है, ये cos x और y इक्वल टू 1/2 लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री, और ये 2π के पीछे है इसलिए 2π/10π/3, तो कितना आ जाएगा, 5π/3। तो फाइनली x का जो इंटरवल आ रहा है वो पाई बाई थ्री से कहाँ तक आ रहा है, 5π/3, तो इसलिए x बिलोंग्स टू π/3 टू 5π/3, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये है, फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसके लिए इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो ये माइनस साइन पाई बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स हो जाएगा,
और फिर पाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू, तो यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई एक्स। फंक्शन कैसा बताया गया, डिक्रीजिंग, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश एक्स कैसा है लेस देन जीरो। तो ये साइन दिस, ये वैल्यू कैसी आ गई लेस देन जीरो। अच्छा अब ये पूरी वैल्यू ये यहाँ पे अगर ध्यान दें सब लोग तो ये रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है हमेशा, तो नेगेटिव कौन होगा सिर्फ साइन पाई बाई एक्स। और अच्छा साइन यहाँ पे कैसा हो रहा है नेगेटिव, तो इसलिए इस बार ग्राफ की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अगर मान लो इसको थोड़ी देर के लिए टी ले लेते हैं जरा जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साइन टी लेस देन जीरो, तो साइन कैसा हो गया नेगेटिव। और ट्रिग्नोमेटिकल एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ है पॉजिटिव का, सीधे क्वाड्रेंट से डायरेक्ट बताया जा सकता है कि नहीं, तो साइन टी नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट में और सेकंड में नहीं होता है, ध्यान करो अभी भी भूल रहे हो कहाँ थर्ड और फोर्थ। तो इसलिए टी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई पाई से ग्रेटर होगी और टू पाई से क्या होगी लेस। अच्छा अब एक बात और ध्यान करेंगे सब लोग, लास्ट पॉइंट क्या कि जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि उसमें इंटरवल दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटरवल नहीं दिया गया है, तो जब इंटरवल नहीं दिया जाएगा तो पहले इंटरवल निकाल लोगे और उसके बाद फिर उसका जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, ये आगे वैल्यू वही जो डोमेन में बताया था कि अगर टैन और कॉट है तो उस केस में एन पाई ऐड करते थे और बाकी सारे केस में क्या टू एन पाई, तो इसलिए इसमें टू एन पाई ऐड हो जाएगा। तो टू एन पाई टी में नहीं ऐड होगा, किसमें ऐड होगा एंगल की वैल्यू में। तो यहाँ पर दस हो गया। अच्छा एक बात और भी ध्यान करनी पड़ेगी क्या कि यहाँ पर जो आंसर हम लोग को लिखना होगा वो क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर n हम क्या लेते हैं इंटीजर लेते हैं तो यहाँ पर एक बात क्या ध्यान करोगे जरा देखो ये पाई कॉमन हो गया भाई, और अगर टू पाई कॉमन हो जाएगा तो अगर n इंटीजर होता था तो जब इंटीजर होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी एक बार पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया हुआ था एक्चुअल में ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस का, तो यहाँ पे क्वेश्चन में केसेस ना जाएं इस वजह से उन्होंने कंसिडर किया था कि एन हमेशा नेचुरल नंबर है। एन कैसा नंबर है नेचुरल, और जब नेचुरल नंबर हो जाएगा तो ये रिजल्ट सारे कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो केवल एक ही केस लगेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से पाई सबसे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है x के इंटरवल को कैलकुलेट करने की है, क्योंकि ये भी लेफ्ट भी पॉजिटिव है और राइट भी क्या है, तो दो पॉजिटिव के बीच में जो अल्टीमेटली नंबर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, तभी डिफाइन होगा। इसलिए x की वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी को क्या कर जाएगा ये रिवर्स, तो ये x बिलोंग्स टू ये आ गया, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से इंटरवल कैलकुलेट करना है जिसके लिए फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो 4 साइन एक्स कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय दस कॉस स्क्वायर एक्स, और अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो 4 है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 साइन 2x। अच्छा ये माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फिर से ही क्या बन जाएगा फार्मूला, तो यहाँ से क्या आ गया कॉस 2x, ये आ गया। और फंक्शन यहाँ पे हमसे क्या बोला गया इंक्रीजिंग, जब फंक्शन इंक्रीजिंग बोला गया है तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0।
तो साइन 4x ग्रेटर देन 0, तो साइन 4x क्या हो गया, लेस देन 0। अब ये फिर से सिंपली क्या हो गया, साइन कैसा हो गया, नेगेटिव, और साइन नेगेटिव कहाँ हो जाता है, थर्ड और फोर्थ। तो इसलिए यहाँ से जो 4x की वैल्यू हो गई वो किसके बीच में लाई करेगी, पाई से कहाँ तक, 2π। और क्वेश्चन ने इंटरवल नहीं दिया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें 2nπ ऐड हो जाएगा, tan और cot रहते तो इस केस में nπ ऐड होता, तो यहाँ से 2nπ ऐड हो जाएगा। लेफ्ट में कॉमन कर लेते हैं पाई, और अब इसको फाइनली 4 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया तो ये इंटरवल आ गया, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर को। ये आ गया, तो इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट इस क्वेश्चन में, कि x का इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और देन अब फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2 e^x, और इसका डिफरेंशिएशन 10। ये आ गया। अच्छा, अब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर सब लोग ध्यान से सोचो तो ये एक्सप्रेशन कैसा है, sec स्क्वायर, ये रिजल्ट तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ये एक्सप्रेशन भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और ये भी एक्सपोनेंशियल क्या है, फंक्शन है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, और बीच में साइन कैसा है, पॉजिटिव। चाहे इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, कभी क्या जीरो होगा, क्या क्या कभी निगेटिव होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो sec, और भाई sec स्क्वायर है तो sec तो ऑलरेडी सबको पता है कि -1 से लेस होता है या फिर 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब इसमें चाहे x की कुछ भी वैल्यू हो जाए और स्क्वायर लग गए तो इसका अलावा अल्टीमेटली यही रह जाएगा केवल पोर्शन, तो इसका अलावा ऑलवेज पॉजिटिव, और ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि f डैश x जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो यानी कि x का इंटरवल इसमें क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है कि जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन ने बोला है कि जी एक्स इंक्रीज है तो ये है, जी एस डिक्रीज है तो ये, इसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल लिखे गए हैं, तो हमें बताना कौन सा सही है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी बताना है तो सबसे पहले हमें फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो देख लेते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स, ये आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा, एक बार इंक्रीजिंग के लिए, एक बार क्या, डिक्रीजिंग। तो मान लेते हैं सब लोग क्लास में थोड़ी देर के लिए कि जी एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जी एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 है, ये आ गया। अच्छा, अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में कुछ पता नहीं हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन ने एक सिंपल सी ये इंफॉर्मेशन दी, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पहले ये सोचो। ये बिल्कुल बात हम लोग सही नहीं सोच रहे, इसका मतलब ये सोचे कि कॉनकेव अप है तो हम कहेंगे हाँ हम सोच सकते, लेकिन साथ में एफ डैश एक्स भी तो दिया जाता, एफ एक्स पता नहीं, एफ डैश एक्स पता नहीं, केवल एफ डबल डैश पता है, तो इससे कॉनकेव अप सोच गए, ये बिल्कुल सही सोच गए, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, क्योंकि हम तभी कुछ जान पाएंगे जब मुझे एफ डैश एक्स के बारे में पता होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स पता होगा तभी तो एक्स निकल पाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से सोचो, इसका दूसरे एक मतलब क्या, एफ डबल डैश एक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो एफ डैश एक्स के साथ,
तो देखो जरा ध्यान सोचो, अगर कोई इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है? अगर कोई इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंटेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अगर मैं सबसे एक बात बोलना चाहूँ, एफ डबल डैश एक्स दिया गया है, अगर मैं सबसे बोल दूं कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो क्या ये इसके लिए ये लाइन सही है? नहीं सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं एफ डैश एक्स क्या है? इंक्रीजिंग। और जैसे मैं बोलूं एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो ये एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग तभी रहा होगा जब एफ डबल डैश एक्स कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा कि नहीं? तो इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी सोचा जा सकता है। और ये हम लोगों ने क्यों सोचा? क्योंकि क्वेश्चन ने एफ डैश एक्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था, इस वजह से ये ऐसा सोचा। अगर किया होता तो मैं कॉनकेव अब समझ के काम कर रहा होता यहाँ पर। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यानी एफ डैश एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और जब ये इंक्रीजिंग हुआ तो तुरंत एक दिमाग में बात आनी चाहिए क्या, कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का साइन क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब कि x ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 माइनस एक्स। और आप क्या कह सकते हैं कि 2x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया? 1/2। और अब क्वेश्चन ने जब इंटरवल दिया है, तो वो इंटरवल और जो हमें हमने निकाला उस दोनों केस का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ से इंटरसेक्शन देखिए, तो ये x का इंटरवल 1/2 से 1 तो यानी कि gx जब इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में इंटरवल जो होगा क्या होगा? 1/2 से दिस होगा gx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। और अगर यहीं पे अब दूसरा केस, क्योंकि gx डिक्रीजिंग के लिए भी कह रहा है, तो अब दोबारा हमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखो gx अगर डिक्रीजिंग होगा तो g डैश एक्स लेस देन 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और यहाँ सब क्या होगा? इधर ध्यान से देखो, तो ये पूरी इनइक्वालिटी ही तो रिवर्स होती चली जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे ये इसका करस्पॉन्डिंग इंटरवल जो आया था वो ये आया था, तो अब रिवर्स होके उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 1/2 से क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। और यहाँ एक्स का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आया था, तो इसलिए यहाँ से लेस आ जाएगा। और फिर दोनों केस का क्या देख लोगे? इंटरसेक्शन। तो इंटरवल 1/2 से लेस, और इंटरवल क्या दिया गया? 0 से 1। तो यानी कि x का वैल्यू जब 0 से 1/2 होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग a और c, तो ये हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, तीनों के कनेक्शन आ ले। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें किसका? a का इंटरवल को कैलकुलेट करना है। फंक्शन क्या है? वेरिएबल पावर इंटीग्रेशन की है, तरीके में कोई चेंज नहीं होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, दिस इंटीग्रेशन 0 to x। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये ए बी प्लस और x का डिफ्रेंशिएशन क्या? 1 अपर लिमिट। ये आ गया। और फिर याद करो फंक्शन ने क्या बोला? इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन जब इंक्रीजिंग है तो ये एफ डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। और अब याद करो पिछली क्लास पे जब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में ये देखा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व्ड है तो क्या करो? एक साइड एक्सेप्ट करो और ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स को एक साइड। अब अगर ध्यान से देखो कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और इस वैल्यू को भी अगर चाहे तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ये 1 1 तो 2 लिख दोगे,
ये कितना आ जाएगा भाई, इसको लिखना चाहोगे तो ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या? अरे इसका स्क्वायर करोगे 4 हो गया, तो बिल्कुल मिला के यही तो आ गया, और ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया 2, और ये जो वैल्यू मिलेगी ये साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 0। और फिर ऐसे केस के लिए क्या था, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से कंपेयर करते थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर भाई साइन 2x अगर कोई देखता है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या -1, लेकिन जैसे इसका स्क्वायर किया जाता तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में रह जाते कि नहीं। और अब ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर 2x से क्या है ग्रेटर, तो ये ग्रेटर तभी हो पाएगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से भी क्या हो ग्रेटर। तो ये 2b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। तो ये 2b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और अब ध्यान से सोचो, a की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ये b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, b में क्वाड्रेटिक दिख रहे कि नहीं, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में कांस्टेंट लगा है तो तुरंत हमें ध्यान आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए लेस देन 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 और साथ में a भी कैसा है पॉजिटिव। तो ये 2a होल ऑफ स्क्वायर 4a की जगह 2, c की जगह 3, यहाँ से 4 कॉमन होके हट जाएगा दिस आएगा, इसका मतलब a माइनस रूट 6 और a प्लस रूट 6 लेस देन 0, तो फाइनल a का इंटरवल दिस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, इसको अब नोट कर लेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो a का इंटरवल निकाला है जिसके लिए फंक्शन क्या बोल रहा है डिक्रीजिंग। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले भाई फंक्शन डिक्रीजिंग बोला है या इंक्रीजिंग बोला है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कर लो, तो ये f डैश x इक्वल टू रूट ओवर a प्लस 4 अपॉन माइनस 3, ये आ जाएगा बाकी सब तो हट जाएगा। और फंक्शन कैसा बताया गया यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो इसलिए f डैश x क्या हो जाएगा लेस देन 0। अच्छा अब f डैश x, आप जब यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो यानी कि ये रिजल्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब होगा भाई, ये नेगेटिव तभी होगा जब ये पूरी वैल्यू भी क्या हो नेगेटिव। तो यानी कि रूट ओवर a प्लस 4 अपॉन 1 माइनस a माइनस 1 लेस देन 0। अच्छा एक बात बताएंगे सब लोग, क्या ये इसमें इक्वल साइन आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इक्वल साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया 0 हो गया तो माइनस 3 वो तो ऑलरेडी क्या है लेस देन 0। तो यहाँ से जो हम लोग के पास आ जाएगा वो रूट ओवर a प्लस 4 अपॉन 1 माइनस a लेस देन आर इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, ये तो इनइक्वालिटी बन गई सिंपल, तो अब इस इनइक्वालिटी को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले ध्यान रखेंगे हमारे पास एक आंसर चाहे कुछ भी आ जाए, एक बात ध्यान रखनी कि ये रिजल्ट हमेशा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जो भी लिखा है वो नंबर कैसा होगा पॉजिटिव, तभी तो डिफाइन होगा। तो इस वजह से यहाँ से पहला पॉइंट कि a प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये a का वैल्यू हमेशा माइनस 4 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक। अच्छा आप चूंकि सारे ऑप्शन माइनस 4 से इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है इसलिए सॉल्व करना ही पड़ेगा हम लोग को। अब सेकंड, सबसे पहले क्या केस फर्स्ट बनाना पड़ेगा, केस फर्स्ट क्यों बना रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, तो स्क्वायर रूट वाली इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं भाई, स्क्वायर स्क्वायर करके ही तो सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हो 1 माइनस है, तो 1 माइनस है कैसा नंबर है पॉजिटिव है कि निगेटिव नहीं पता है,
इसलिए दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार 1 माइनस ए को क्या लेंगे पॉजिटिव और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ से पहला एक पॉइंट ये बना कि 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गई, इनइक्वालिटी क्या हो गई रिवर्स। तो ये ए का इंटरवल एक मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद बी रूट ओवर ए प्लस 4 अपॉन 1 माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू 1, चूंकि डिनोमिनेटर हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया है इसलिए जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, सारे टर्म्स को हम लोग एक साइड कर लेंगे तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a और ये क्या आ जाएगा माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 0। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इनइक्वालिटी जो सॉल्व कर देते तो फैक्टर होता था या तो नहीं, तो फैक्टर नहीं है तो इसका बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के ए की वैल्यू निकाल देंगे, या फिर सिंपल क्वाड्रेटिक है तो फार्मूले से वैल्यू निकाल देंगे। अगर लेस साइन लगा रहता तो रूट्स के बीच में लाई करती थी, और ग्रेटर साइन है तो आउटसाइड द रूट्स। तो यहाँ से सीधे ए की वैल्यू निकाल दोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये a इक्वल टू कितना गया 3 प्लस माइनस अपॉन 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तो ये a इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2 आ जाएगी। ग्रेटर साइन है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आउटसाइड ऑफ द रूट्स। तो यहाँ से a का इंटरवल ये आ गया। तो पहले केसेस पे हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया, अब सारे केसेस का क्या निकाल दिया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो ये माइनस 4 टू इन्फिनिटी 2nd माइनस इन्फिनिटी टू 1 3rd, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 21 बाई 2, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बाई रूट 21 है, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है तो इसकी वैल्यू 5 रूट 25 की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग, और 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग तो कितना आ जाएगा माइनस 1 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड बाई 2 तो यानी कि कुल वैल्यू माइनस 4 के तो इधर ही रहेगी कि नहीं, तो यहाँ से ये आ गया। और ये जो वैल्यू हो गई 4 पॉइंट समथिंग प्लस 3 कितना हो गया 7 पॉइंट समथिंग, और 7 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 तो वो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी ग्रेटर। तो कुल मिला के इस केस में जब इंटरसेक्शन देख रहे हैं तो ए का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस 4 टू 3 माइनस रूट 21 डिवाइड बाई 2, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये केस फर्स्ट के लिए सॉल्व हो गया है, इसको नोट कर लेंगे फिर केस सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब ये ए का वैल्यू हो गया, अब केस सेकंड में क्या होगा, अब इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो केस सेकंड ए पॉइंट 1 माइनस ए लेस देन 0। अच्छा अब जब 1 माइनस ए लेस देन 0 हो गया तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा रिवर्स। तो यहाँ से ए का इंटरवल जो आ गया वो 1 टू इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ओवर ए प्लस 4 अपॉन, और चूंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है ये। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखो, इसको अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो सॉल्व करने बैठ जाओगे क्या, स्क्वायर ओपन करोगे फिर ऐसे ही सॉल्व कर डालोगे कि नहीं, लेकिन एक बात ध्यान दोगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई 1 माइनस ए को क्या लिया है नेगेटिव,
तो 1 माइनस ए कैसा नंबर है? नेगेटिव। अब पहले एक बात दो, इसको समझाने से पहले, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस ए क्या है? नेगेटिव। तो जब ट्रांसफर हुआ तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? अब जरा ध्यान दो क्या मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? तो मैं कहूँगा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है और स्क्वायर रूट होने की वजह से ये रिजल्ट कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या कभी पॉजिटिव बड़ा होता है निगेटिव से? तो हमेशा होता है विवेक भैया, हमेशा होता है। तो ये कंडीशन कैसी है? ऑलवेज ट्रू है। तो इसलिए इसको हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि इस केस सेकंड में यही आंसर बन जाएगा हम लोग के पास। और ये पहली कंडीशन, ये तो ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कहीं ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से रूट के अंदर क्या बन रहा हो? निगेटिव। तो इन दो केसेस का इंटरसेक्शन देख लोगे। ये आ गया, तो ये वन से क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो ये केस फर्स्ट का आंसर आ गया है और केस सेकंड। तो फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर जो आ गया, एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन ही आ जाएगा हम लोग का, नोट कर लेंगे ठीक। तो ये जो है ए ऑप्शन आ गया भाई, माइनस में आया, प्लस में थोड़ी आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये हमें बताना है कि एफ एक्स और जी एक्स में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। तो चेक करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स अपॉन साइन एक्स, इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? तो फंक्शन का हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे? डिफरेंशिएशन। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीज होगा, अगर निगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ से सीखने वाली बात क्या होगी? जरा देखो, इसमें ये साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटरवल जो दिया गया है ये पाई वन लिखा है एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो ये पाई बाई टू से तो लेस ही है ना। तो यानी क्वेश्चन जो हो रही बात किसके इंटरवल में हो रही? फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये न्यूमरेटर में एक पॉजिटिव है कि निगेटिव कैसे पता लगेगा भाई? डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया। अब एक तो तरीका है कि सीधे सीधे कुछ कुछ वैल्यू पुट करके देखो तब निकालोगे। लेकिन जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें तुमको देखने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको यू ले लो। और यू लेने के बाद ये देख लो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज। अब यहां से जरा देखो डी यू अपॉन डी एक्स, और यहां से एक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। और ब्रैकेट ओपन करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अब बचेगा कितना? डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। और इस इंटरवल के लिए ये रिजल्ट कैसा है? पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट भी कैसा हुआ? पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर भी कैसा हो गया? तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स जो हो गया वो क्या हो गया? पॉजिटिव। और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन बन गया? इंक्रीजिंग। तो यानी एफ एक्स जो होगा इस गिवन इंटरवल में क्या होगा? इंक्रीजिंग। तुमको ये बात पता रहे इसलिए ये क्वेश्चन लिखा था क्या, कि अगर कभी डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हो कि कोई चीज़ प्लस है कि माइनस, तो उसको फंक्शन के अंदर ऐसे यू लेके काम किया जा सकता है। अब जैसे दूसरा वाला यहाँ पे लिखा गया है जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन एक्स, तो जी डैश एक्स ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये tan x न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा। और अब देखो क्या इसको फिर से इजीली बता सकते हैं न्यूमरेटर पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बोलो, नहीं बता सकते। तो इसलिए इसको फिर से क्या ले लोगे? u। तो u लेके सॉल्व करो। अब यहाँ पे u लेके इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू tan x माइनस x इंटू sec स्क्वायर x डी यू अपॉन डी एक्स। ये तो फर्स्ट, ये सीधे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
sec स्क्वायर x बाय दिस, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो ये x इसका डिफरेंशिएशन 2 sec x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और प्लस sec स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, du अपॉन dx माइनस 2x और ये sec x मिलके sec स्क्वायर x इंटू tan x। और चूंकि बात हुई थी कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्री किस में दी गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं रिजल्ट है सारे, क्योंकि पाई बाय 2 से लेस है ना वन, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव है, स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव है और इंटरवल 0 से 1 है तो ये भी क्या है पॉजिटिव। तो कुल मिला के du अपॉन dx का जो रिजल्ट दिया गया है वो कैसा दिया गया, निगेटिव, और जब निगेटिव दिया गया तो ये भी क्या हो गया निगेटिव, और tan स्क्वायर x ये तो क्या रहा पॉजिटिव, तो कुल मिला के जी डैश एक्स जो हो गया वो कैसा हो गया निगेटिव, और जब जी डैश एक्स निगेटिव हो गया तो इसका जी एक्स कैसा फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर, अब इसको नोट कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये a प्लस बी इक्वल टू फोर ये तो दे दिए गए एक, उसी a लेस देन जीरो कहा जी एक्स भी ए डिफरेंशियबल फंक्शन और दिया गया डी जी अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो डी जी अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ये इंक्रीजिंग है, और प्रूव करना है कि ये पूरा इंटीग्रेशन इंक्रीज होगा जब बी माइनस ए भी क्या होगा इंक्रीज। एक बात जरा सोचो, अगर कोई चीज़ इंक्रीज होती है जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब सब लोग ये जान गए हैं क्या कि भाई ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। लेकिन इस इंक्रीजिंग के अंदर जरा बहुत ध्यान से सोचो एक बात, क्या ये अगर आ गया है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि जब एक्स बढ़ रहा होगा तभी तो वाई बढ़ रहा होगा, भाई दो कंपोनेंट हैं कि नहीं है, नहीं समझे, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। ये तो तुम स्लोप के एंगल से देख रहे हो, लेकिन एलजेब्रा के एंगल से देखोगे तो एक्स भी जब बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बोलो, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही कि नहीं हो रही। अब ये पूरा इंटीग्रेशन हमें दिखाना है, ये इंक्रीज कर रहा है जब बी माइनस ए भी क्या कर रहा है इंक्रीज, तो इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन के जैसा ला दूं मैं तो ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ, मतलब ये लिखा है पूरा और इसका इससे डिफरेंशिएट हो रहा है, अब वो वैल्यू कैसे आ गई पॉजिटिव, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नहीं समझे बात। जैसे ये पूरा वैल्यू है ठीक, हम इसको कुछ फंक्शन मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लो ये थोड़ी देर के लिए फाई है और इसको हम मान लें क्या टी मान लें, तो अगर मैं ये दिखा दूँ कि डी फाई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ पे काम करते हैं इसी बात को लेके, कैसे कर लेते हैं कि ये b माइनस ए को हमने t ले लिया ठीक, दूसरी बात a प्लस बी इक्वल टू क्या है फोर है, हम कर क्या रहे हैं कि ये देखो इंटीग्रेशन में एक लिमिट a एक लिमिट b है और हम लोग को पता है न्यूटन फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब दोनों इंटीग्रेशन में सेम वेरिएबल लगा होगा, क्योंकि जब भाई इंटीग्रेशन लिमिट क्या हमने फार्मूला पढ़ा था लिमिट फाई एक्स से क्या साई एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन तभी तो हो पाता था जब लिमिट में वेरिएबल क्या होते थे दोनों साइड सेम, तो यहाँ पे अगर ए है और यहाँ बी है तो थोड़ी हो पाएगा भाई, इसको फिर क्या ए के रिस्पेक्ट में करोगे कि बी के रिस्पेक्ट में करोगे, नहीं बोल पाओगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ए और बी की वैल्यू सेम वेरिएबल के टर्म में ला दे रहा हूँ, तो यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू फोर दिया था, दूसरा इसको हमने क्या ले लिया टी ले लिया, तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं अब ए और बी के बारे में बोल सकता हूँ कि नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ से b इक्वल टू टी प्लस फोर बाई टू हो जाएगा कि नहीं, और उसके बाद a इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर बाई डेस टी बाई टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अब ये जो इंटीग्रेशन लिखा है ये जीरो से a जी एक्स डी एक्स प्लस जीरो से b जी एक्स डी एक्स, इसको मैं क्या लिख दूंगा इंटीग्रेशन जीरो से फोर बाई डेस टी जी एक्स डी एक्स प्लस जीरो से फोर प्लस टी बाई टू जी एक्स डी एक्स। अब अगली बात, इसको अभी मैंने क्या नाम दिया था फाई फंक्शन दिया था कि नहीं, लेकिन ये फाई किसका फंक्शन होगा ये भी आप सोच सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई जी का इंटीग्रेशन क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब लिमिट पुट होंगी तो ये टोटल किसका दिखेगा फंक्शन टी का, तो इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया एफ ऑफ फाई ऑफ टी। और अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ,
तो जैसे मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट को, अपर लिमिट यहाँ एक्स के प्लेस पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी 4 by t/2 और फिर इसी का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट का, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे इसको अलग अलग कर लोगे ना, तो यहाँ से इसका नहीं समझे बात, ये हो गया ना कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और ये आ गया। अब लोअर लिमिट तो जीरो इसलिए वो पार्टी हट गया, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो प्लस जी ऑफ 4 + t/2 और फिर 4 दिस का डिफरेंशिएशन, तो कितना आ गया 1/2, टोटल से 1/2 क्या कर लेते हैं कॉमन, और अब ये जो बन गया ये 5 - t बन गया और 1/2 कॉमन कर लिए, तो पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ मैं, 4 + t/2 माइनस जी ऑफ 4 - t/2 ये लिख गया। अब पूरी क्लास का एम ये हो जाना चाहिए, ये अगर पॉजिटिव प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव प्रूफ, तो इसका मतलब कि जो हमसे कही गई बात क्या, ये फंक्शन पूरा किसका बन गया फाई का और ये फंक्शन किसका है टी का, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब इसको कैसे पता लगेगा ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो चलो पता करते हैं। क्वेश्चन ने एक रिजल्ट दिया है a < 2 दिया गया है कि नहीं, अब हमें अब ये देखो फंक्शन क्या है, दूसरी बात दी गई है dg/dx > 0 यानी g फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, g फंक्शन कैसा है अब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का साइन सेम होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये पता कर लेता हूं g वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर मैं ये पता कर लेता हूं कि 4 + t/2 और 4 - t/2 में कौन बड़ा है, रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि इनपुट इंक्रीज तो आउटपुट भी क्या इंक्रीज, क्योंकि जी वाला फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, तो वो पता करना पड़ेगा कौन बड़ा है इसमें। तो कैसे पता लगेगा a < 2 है, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकाली 4 - t/2 दिस, तो यहां से क्या आ गया ये कैंसिल हो गया, यानी t > क्या आ गया 0। अब पता कर लो दोनों में कौन बड़ा है, पता लगा कि नहीं कैसे, अरे कॉन्स्टेंट नंबर है एक बात और t और एक t है और दूसरा क्या है -t, तो t और -t में कौन बड़ा होगा t ही होगा क्योंकि t मिल चुका है ना पॉजिटिव है, और दोनों में 4 ऐड कर दो 2 से डिवाइड कर दो और g यहां पे क्या दिया गया है dg/dx क्या है > 0, तो g वाला फंक्शन जो गया हो क्या हो गया इंक्रीजिंग, तो जब ये इंक्रीजिंग यानी इसके ऊपर जी लगेगा तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और जैसे ये लिखा तो इसका मतलब कि यहाँ से 5 - t का रिजल्ट कैसा आ गया पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव आ गया तो यही बात हम लोग को प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते। एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सबसे पहले तो एक रिजल्ट्स देख लो कि g - x > 0 दिया है, f - x < 0 दिया है, और हमें प्रूफ ये कर रहा है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, बाई g - x > 0 तो इसका मतलब gx जो है फंक्शन वो कैसा है इंक्रीजिंग है, और f - x > 0 है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग। अब हम पहला पार्ट देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है कैसे प्रूव होगा, जरा अंदर देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान से देखो, एक x+1 है और एक क्या है x - 1, दोनों में बता सकते हो कि कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा, अरे x+1 ग्रेटर होगा, नहीं समझे ए ये देखो बताओ 1 और -1 में -1 बड़ा होता है कि नहीं होता वैसा, अच्छा तो फिर तुमको ये बात पता है तो फिर ये लिख लो। ठीक, अब दोनों साइड इसमें प्लस एक्स कर दो तो ये आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा अब ये क्या हो गया है ये फंक्शन एफ कैसा है डिक्रीजिंग, तो इस पूरे रिजल्ट के ऊपर एफ लगा है कि नहीं लगा है, तो जैसे एफ लगाऊंगा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी सेम रहेगी कि रिवर्स रहेगी, रिवर्स रहेगी, और अब इसके ऊपर क्या लिखा जी, तो g के लिए ये अब ये g के अंदर है ना, तो g के लिए किसका काम कर रहा है इनपुट का किसका, और g कैसा फंक्शन है
तो जैसे इसके ऊपर जी लगाऊंगा क्या इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ये ऐसे ही बना रहेगा, प्रूव हो गया। अब उसके बाद फिर सेकेंड वाले पार्ट में बात करेंगे। तो इसमें भी x प्लस वन तो ग्रेटर ही है ना x माइनस वन से, और g कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इस बार g इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट डालेगा क्या? और अब इसके आउटर फंक्शन क्या हो गए? f। तो f कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो जब डिक्रीजिंग है तो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? क्या रिवर्स कर जाएगा? आप जरा अपने आप एक सोच के बताओ सब लोगों की बात, कि हमने जो ये लिख दिया है ये सही लिखा होगा कि गलत लिखा होगा? ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि x प्लस वन ग्रेटर है किसे, और g कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। तो लगा दोगे तो कोई इफेक्ट? अब दोबारा लगा दोगे और अगर मान लो यहाँ पे ये हो जाता, क्या कहते कि हाँ ये बताओ सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है कि नहीं? अरे भाई x प्लस वन ग्रेटर है x माइनस वन से, और f जैसे लगाओगे तो इनइक्वालिटी क्या करेगा? रिवर्स। लेकिन दोबारा एफ लगाओगे तो ये आ गए। आप समझ गए ना कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन? अब जाके हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काम पूरा कंप्लीट हुआ। नोट कर लो।